लोबसांग रंपा की पुस्तक साधु के तीसरे अध्याय में आप लोगों का स्वागत है। अगर आपने इससे पहले के अध्याय नहीं सुने हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लोग वहां जाके सुन सकते हैं। और एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आप लोगों से मैं बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ कि जो दूसरा अध्याय है वो दो बार रिपीट हो चुका है, तो आधा से वो रिपीट नहीं हुआ है, 44 मिनट के बाद वो रिपीट हुआ है। तो अगर आप सुनना चाहते हैं तो फर्स्ट पार्ट ऐसे सुन सकते हैं, उसके बाद उसको आप स्किप कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आगे ऐसी गलती ना हो। और आइए हम शुरू करते हैं तीसरा अध्याय। कुछ समय के लिए नौजवान भिक्षु उस बीमार आदमी के सिर के ढांचे को गोद में रखते हुए और उसको कुछ थोड़ी मात्रा में तसंबा खिलाते हुए जमीन पर बैठा। अंत में वह खड़ा हुआ और उसने कहा, मुझे तुम्हें साधु की गुफा तक ले जाना पड़ेगा। उसने ऐसा कहते हुए चेहरा नीचे की ओर लटकते हुए और रोल बनाए हुए कंबल की तरफ से मोड़ते हुए आदमी को उठाया और अपने कंधों पे से एक के ऊपर लादने की व्यवस्था की। बाहर की लड़खड़ाहट के साथ उसने अपना रास्ता पेड़ों के थोड़े बीच में से लिया और चट्टानी रास्ते पर गुफा की तरफ चल दिया। अंत में जो अनंत यात्रा दिखती थी उसे तय करके वह आग के बगल से पहुंचा। धीमे से उसने आदमी को जमीन पर फिसल जाने दिया। आदरणीय, उसने कहा, मुझे झील के बगल से एक दिखती में यह आदमी मिला है। इसकी गर्दन के चारों तरफ एक तिकटी लगी है और यह बहुत बीमार है। मैंने उसकी टिकटी हटा दी है और उसे यहां लाया हूं। एक टहनी के साथ नौजवान भिक्षु ने आग को हिलाया जिससे चिंगारियां ऊपर की तरफ उठी और हवा जलती हुई लकड़ी की आनंदमय गंध से भर गई। केवल कुछ और लकड़ी डालने के लिए रुकते हुए वह बूढ़े साधु की ओर वापस मुड़ा। तिखटी? बाद वाले बूढ़े साधु ने कहा, इसका अर्थ है कि वह अपराधी है। परंतु एक अपराधी यहां क्या कर रहा है? कोई बात नहीं, उसने क्या किया है? यदि वह बीमार है तो जो हम कर सकते हैं वह हमको करना चाहिए। शायद आदमी कुछ बोल सके। जी आदरणीय, आदमी कमजोर आवाज में बुदबुदाया, मैं शारीरिक रूप से मदद पाने से इतनी दूर हो गया था कि मेरी मदद नहीं की जा सकती थी। मैं आध्यात्मिक सहायता की आवश्यकता में हूं। मैं चाहता हूं कि मैं शांति से मर सकूं। क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं? निश्चय ही, पूरी निश्चिंतता के साथ, बूढ़े साधु ने जवाब दिया। बोलो और हम सुनेंगे। बीमार आदमी ने पानी से जो उसे नौजवान भिक्षु के द्वारा दिया गया अपने होठों को गीला किया, अपनी गले को साफ किया और कहा, मैं लासा के शहर में चांदी का एक सफल सुनार था। व्यापार अच्छा था। लामा मठों से भी मेरे पास काम आता था। तब विनाश के भी विनाश भारतीय व्यापारी आए और उन्होंने भारत के बाजारों से लाकर सस्ता सामान उपलब्ध करा दिया, चीजें जिन्हें वे अधिक मात्रा में उत्पादित कहते थे। घटिया निकम्मा सामान मैंने उसे नहीं छुआ। मेरा व्यापार गिरता गया, धन की तंगी हो गई। मेरी पत्नी इस व्यथा को नहीं सहन कर पाई, इसलिए वह दूसरे के साथ भाग गई, एक धनी व्यापारी के साथ, जिसने पहले भी मेरे उससे शादी करने से पहले उसे ललचाया था। एक व्यापारी जो अभी तक भारतीय प्रतियोगिताओं से छुआ नहीं गया था। मेरे पास मुझे मदद करने के लिए कोई नहीं था, देखभाल करने के लिए कोई नहीं, और ऐसा कोई नहीं जिसकी मैं देखभाल कर सकूं। वह रुका, अपने कड़वे विचारों से उभर पाया। बूढ़ा साधु और नौजवान भिक्षु उसके दोबारा से ठीक हो जाने की प्रतीक्षा करते हुए शांत रहे। अंत में उसने कहना जारी रखा, प्रतियोगिता बढ़ती गई। एक आदमी चीन से और अधिक सस्ता सामान लेकर याको पर लाद कर आया।
मेरा व्यापार बंद हो गया। मेरी अत्यल्प पूर्तियों को छोड़कर, जिनको कोई नहीं चाहता था, मेरे पास कुछ नहीं था। अंत में एक भारतीय व्यापारी मेरे पास आया और मुझे अपमानित करते हुए मेरे घर और उसमें जो कुछ मेरे पास था कि सबसे कम दाम लगाए, मैंने मना कर दिया और उसने मुझे यह कहते हुए कि शीघ्र ही वह इसे बिना मूल्य ले लेगा मजाक उड़ाया। भूखा होने और दिल से दुखी होने के कारण मैंने अपना काबू खो दिया और उसे अपने घर के बाहर फेंक दिया। वह सड़क पर अपने सिर के बल गिरा और उसकी कनपट्टी वहां पड़े हुए एक पत्थर से चटक गई। फिर बीमार आदमी अपने विचारों से उबरते हुए रुका। दूसरे लोग तब तक शांत रहे जब तक कि वे उसे कहने के लिए प्रतीक्षा करते रहे। मुझे तिकटी से घेर दिया गया। वह कहता गया, कुछ लोग मेरे ऊपर आरोप लगाते और कुछ लोग मेरे पक्ष में बोलते। शीघ्र ही मुझे खींचकर एक न्यायाधिकारी के सामने ले जाया गया और कहानी उसे सुनाई गई। कुछ लोगों ने मजिस्ट्रेट से मेरे लिए कहा और कुछ लोग मेरे विरोध में बोले। उसने फैसला सुना दिया, परंतु सजा देने से कुछ पहले उसने मुझे 1 साल के लिए ये तिकटी पहना दी। इस युक्ति को लगाकर मेरी गर्दन में ताला डाल दिया गया। इसके रहते मैं अपने आप को खाना नहीं खिला सकता और न ही पानी पिला सकता था, परंतु हमेशा दूसरों की कृपा के ऊपर निर्भर रहता हूँ। मैं काम नहीं कर सकता था और भीख मांगने के लिए घूमना मुश्किल होता। केवल खाना नहीं, बल्कि कोई दूसरा आदमी भी जो मुझे खिलाए आवश्यक होता। मैं लेट नहीं सकता था, परंतु हमेशा खड़ा रहना या बैठना पड़ता था। वह और अधिक पीला पड़ गया और मृत्यु के अंतिम सिरे पर प्रतीत हुआ। जवान भिक्षु ने कहा, आदरणीय व्यापारियों के शिविर के बगल से मुझे एक कंस्टर मिला है, मैं उसे लेकर आऊंगा और तब चाय बना सकूंगा। अपने पैरों पर खड़े होते हुए उसने नीचे रास्ते पर, जहां उसने लकड़ियां, डिब्बे और ढली हुई, गढ़ी हुई, नीचे बढ़ी हुई स्प्रिंगदार तिकटी को छोड़ा था, जाने की जल्दी की। उस पहले शिविर के आसपास उसे एक हुक मिला जो स्पष्ट रूप से कनस्तर का था। उसे बालू से मांझने के बाद बर्तन को पानी से भरते हुए हुक, तीली, टिकटी और पानी के बर्तन को लिए हुए वह रास्ते पर वापस शुरू हुआ। शीघ्र ही वह अत्यधिक प्रसन्नता के साथ वापस आ गया और भारी टिकटी को सीधा आग के ऊपर उछाल दिया। चिंगारियां फूटी और धुएं के बादल उड़े, जबकि उसकी गर्दन के छेद में से, टिकटी के केंद्र में से एक लंगड़े कीप का ठोस स्तंभ बाहर आया। नौजवान भिक्षु गुफा में अंदर की ओर दौड़ा और बंडलों को, जो अभी हाल ही में व्यापारी द्वारा उसे दिए गए थे, बाहर लाया। चाय की ईंट, याक के मक्खन की एक बड़ी और ठोस टिकिया, धूल भरी, काफी कुछ बासी, बदबूदार, परंतु अभी भी मक्खन के रूप में पहचाने जाने योग्य एक विरला भोज, भूरी शक्कर का एक छोटा थैला। बाहर आग के पास उसने सावधानी से बर्तन के हैंडल में होकर एक चिकनी लाठी को लुढ़काया और उसे एक चमकीली आग के केंद्र के ऊपर रख दिया। छड़ी को बाहर की तरफ लुढ़काते हुए उसने सावधानी से उसे एक तरफ रख दिया। चाय की ईंट पहले से ही तोड़ी जा चुकी थी, इसलिए उसने कुछ छोटे ढेलों को चुना और उन्हें पानी में, जो अब गर्म होना शुरू हो गया था, डाल दिया। एक नुकीले सपाट पत्थर की सहायता से कठोर मक्खन का एक चौथाई भाग तोड़ लिया। अब उबले हुए बुलबुले देते हुए पानी में पिघलने के लिए डाला और यह सतह के ऊपर एक मोटी पीली परत के रूप में फैल गया। सुहागे का एक छोटा ढेला, एक बड़े ढेले का हिस्सा चाय में डाला गया। इसके बाद गंध को सुधारने के क्रम में पूरी पसों पर भर भूरी चीनी और तब ओह कमाल की दावत। नौजवान भिक्षु ने ताजा चिकनी की गई टहनी को पकड़ते हुए पूरे घोल को अच्छी तरह हिलाया। अब पूरी सतह भाप से ढक गई, इसलिए उसने छड़ी को हत्थे के अंदर खिसका दिया
और डिब्बे को उठाकर बाहर कर दिया। बूढ़ा साधु इन गतिविधियों को बड़ी रुचि के साथ समझ रहा था। ध्वनियों से वह प्रत्येक चरण के मामले के प्रति सावधान हो गया। अब बिना कुछ पूछे हुए उसने अपना कटोरा निकाला। नौजवान भिक्षु ने उसे लिया और उस घोल में से धूल की तलछट तिलियों और बेकार के झागों को अलग हटाते हुए सावधानी पूर्वक उसे वापस देने से पहले उसने बूढ़े आदमी के कटोरे को आधा भर दिया। अपराधी बुदबुदाया कि उसके चीथड़ों में भी एक कटोरा था। उसे बाहर लाते हुए इस ज्ञान के साथ कि वह दृष्टिवान होने के कारण उसमें से कुछ भी नहीं फैलाएगा, उसे चाय का पूरा कटोरा भरकर दिया गया। नौजवान भिक्षु ने अपना कटोरा पूरा भरा और संतुष्टि, जो कि उन लोगों को मिलती है जो किसी चीज को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, कि आह के साथ उसे पीने के लिए पीछे बैठ गया। चूंकि हर आदमी अपने खुद के विचारों में लबलीन था, कुछ समय के लिए सब कुछ शांत था। शाम गहराती गई। ठंडी हवा ने पेड़ों में होते हुए पत्तों को फुसफुसाते हुए विरोध में आ भरी। झील का पानी बढ़ गया, लहरें उठी, लहरें और बढ़ी और उन्होंने भी आ भरी। किनारे के अगले भाग के पत्थरों के साथ धीमे से नौजवान भिक्षु ने बूढ़े साधु को लिया, हाथ से पकड़ा और वापस अब अपनी गुफा के अंदर वाले अंधेरे हिस्से में ले गया। तब वह बीमार आदमी की ओर वापस लौटा। जैसे ही नौजवान भिक्षु ने उसे उठाया, वह अपनी नींद से जग पड़ा। मुझे बात करनी चाहिए, उसने कहा, क्योंकि अब मेरे लिए मेरे अंदर बहुत थोड़ा जीवन शेष रह गया है। नौजवान भिक्षु उसे गुफा के अंदर ले गया और रेत में उसके कूल्हे की हड्डी को दबाने के लिए गड्ढा और उसके सिर को उठाने के लिए छोटा टीला बनाया। आग के आसपास उसे दबा देने के लिए और पूरी रात भर थोड़ा सा सुलगते रहने देने के लिए बलुआ मिट्टी के लिए बाहर की एक यात्रा की। आग सुबह तक शांत हो जाएगी, लाल हो जाएगी और उसे जानदार लपटों के रूप में फिर से जलाना आसान होगा। एक पुराना, एक मध्य आयु का और एक जवानी को पहुंचता हुआ तीन आदमियों के साथ एक दूसरे के पास बैठे हुए या लेटे हुए सजायाफ्ता ने दोबारा फिर कहा, मेरा समय कम होता जा रहा है। उसने कहा, मैं महसूस करता हूं कि मेरे पूर्वज मेरा अभिनंदन करने के लिए और मेरा स्वागत करने के लिए ऊपर के घर में तैयार हैं। मैं एक साल से पीड़ित हूं और भूखा रहा हूं। एक साल के लिए मैं खाने की खोज में और सहायता की खोज में लासा से वापस फारी तक आशा करता रहा हूं। मैं महान लामाओं को, जिन्होंने मुझे ठुकरा दिया, और दूसरों को जो मेरे प्रति दयालु रहे, मिला हूं। मैंने अनेक लोगों को मुझे खाना देते हुए देखा है जबकि वे खुद भी इसके लिए भूखे थे। एक साल से मैं अधिकांश निम्न लोगों के नौमाड़ क्षेत्रों में घूमता रहा हूं। मैं टुकड़ों के लिए कुत्तों से लड़ता रहा हूं और तब मैंने यह पाया कि मैं अपने मुंह तक नहीं पहुंच सकता था। वह रुका और उसने ठंडी चाय जो उसके बगल में रखी थी, अब जमे हुए मक्खन के कारण गाढ़ी हो गई थी, का एक घूंट पिया। परंतु आप हम तक कैसे पहुंचे? बूढ़े साधु ने अपनी कांपती हुई आवाज में पूछा। मैं झील के किनारे से बहुत दूर पानी पीने के लिए पानी में झुका और तिखटी ने मेरा संतुलन खराब कर दिया, जिससे मैं अंदर गिर गया। एक तेज हवा ने मुझे पानी के आर पार उड़ा दिया और इस प्रकार मैंने रात को देखा, दिन को देखा और फिर रात को देखा जो उसके बाद आई और दिन उसके बाद आया। चिड़िया तिखटी के ऊपर आकर बैठती रही और उन्होंने मेरी आंखों को नोच नोच कर बाहर निकालने की कोशिश की, परंतु मैं चिल्लाया और मैंने उनको डराया। फिर भी जब तक कि मैंने अपनी चेतना को नहीं खो दिया, मैं तेज गति से दौड़ा और मैं इससे आगे नहीं जानता।
कि मैं कितना दूर दौड़ा। मेरे पैरों ने आज पूर्वाहन में झील की तली को छुआ और मुझे उठा दिया। सिर के ऊपर एक गिद्ध मंडरा रहा था, इसलिए मैंने उसके साथ संघर्ष किया और तिकटी समेत सिर को अंदर गिराने के लिए पहले रेंग कर तट पर आया, जहां नौजवान पिता ने मुझे पा लिया। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरी शक्ति समाप्त हो गई है और मैं शीघ्र ही स्वर्ग को जाऊंगा। रात भर विश्राम करो, बूढ़े साधु ने कहा। रात की आत्माएं इस समय जागी हुई हैं, गतिशील हैं। इससे पहले कि हम अत्यधिक विलंब कर दें, हमको अपनी आकाशीय यात्राएं करनी चाहिए। अपनी मजबूत लाठी की सहायता से वह अपने पैरों से चढ़ा और गुफा के अंदर वाले हिस्से में गया। नौजवान साधु ने उस बीमार आदमी को थोड़ा तसंपा दिया, उसे अधिक आराम से व्यवस्थित कराया और तब वह दिन भर की उन घटनाओं के ऊपर विचार करते हुए लेट गया और नींद में सो गया। चंद्रमा अपनी पूरी ऊंचाई से उठा और शानदार तरीके से आकाश के दूसरी ओर चला। घंटे घंटे पर रात की ध्वनियां शोर बदलते रहे। कीट घूम रहे थे और शब्द करते हुए घूम रहे थे। तभी बहुत दूर से आए हुए और डरे हुए एक उल्लू की चीख आई। जब रात की ठंडी हवा में चट्टाने ठंडी हुई और सिकुड़ी पहाड़ की श्रेणियां चरमराई, पड़ोस में एक चट्टानी स्रोत ने जैसे ही चट्टानों ने और पहाड़ों का मलबा लुढ़कता हुआ पूरी तरह लदी जमीन पर टेटू पर गिरकर उसे चूर चूर करते हुए नीचे आया, बिजली की कड़क में योगदान दिया। रात को कुतरने वाले एक जीव ने आवश्यक रूप से अपने साथी को कुछ कहा और फुसफुसाती हुई बालू में अज्ञात जीवों की सरसराहट और बुदबुदाहट हुई। धीमे से तारे पीले पड़ गए और अगले दिन की शुरुआत की घोषणा करते हुए पहली किरण आकाश से फूटी। सहसा मानो की विद्युत से प्रवाहित होकर नौजवान भिक्षु सीधा तनकर बैठ गया। वह बेकार में घूरता हुआ गुफा के तीव्र अंधेरे में घुसने का प्रयत्न करता हुआ पूरी तरह जगा हुआ बैठा था। अपनी सांस को रोके हुए उसने अपना ध्यान शून्य पर केंद्रित किया। कोई लुटेरे यहां नहीं आ सकते, उसने सोचा। हर एक जानता है कि बूढ़े साधु के पास कुछ नहीं था। बूढ़ा साधु बीमार था। नौजवान भिक्षु ने आश्चर्य किया। अपने पैरों पर खड़े होते हुए उसने गुफा के अंत तक का एक सुरक्षित रास्ता अनुभव किया। आदरणीय, क्या आप एकदम ठीक हैं? उसने पुकारा। बूढ़े आदमी की कांपती हुई आवाजें आई। हां, हो सकता है ये हमारा अतीत है। उस सजायाफ्ता को पूरी तरह से भूल जाने में नौजवान भिक्षु ने मूर्खता अनुभव की। जहां गुफा के प्रवेश द्वार में एक धुंधला भूरा धब्बा दिखा, मुड़ते हुए उसने शीघ्रता की। हां, अच्छी तरह से सुरक्षित आग अभी भी जिंदा थी। एक छड़ी को पकड़ते हुए नौजवान भिक्षु ने उसे आग के लाल दिल में भौंका और लगातार फूंका। आग की लपटें प्रकट हुई और उसने ज्यादा सूखी लकड़ियों के ढेर को उसके ऊपर लपटों में डाल दिया। अब तक पहली लकड़ियां सिरों पर अच्छी तरह जलने लगी थी। उन्हें पकड़ते हुए उन्हें घुमाया और जगाने के लिए तेजी से गुफा में गया। जलती हुई लकड़ी ने पागलपन से नाचती हुई विचित्र छायाओं को दीवार पर भेजा। जैसे ही मसाल की मंद सी रोशनी में एक आकृति बनी, नौजवान भिक्षु उछल पड़ा। ये बूढ़ा साधु था। वह सजायाफ्ता टांगों को अपनी छाती तक खींचे हुए गठरी बनकर नौजवान भिक्षु के पैरों में पड़ा हुआ था। मसाल उसकी चौड़ी खुली हुई आंखों से उनको झपकने जैसा प्रभाव देते हुए परावर्तित हुई। मुंह औंधा होकर खुल गया और कोनों से बहती हुई सूखे खून की एक पतली रेखा उसके गालों तक फैल गई और उसके कानों के पास एक सूजा हुआ भरा हुआ ताल जैसा बन गया। अचानक ही वहां एक घबराने वाली गड़गड़ाहट की आवाज हुई।
और शरीर ऐठन के साथ अनियंत्रित रूप से झटके से कसे हुए कमान के रूप में खिंच गया और एक हिंसक और अंतिम सांस के बाहर निकलने से शिथिल हो गया। शरीर चटका और तरलों के कुछ गरारे हुए, भुजाएं बेकार हो गई और मुखाकृतियां लटक गई।